प्रज्ञा झा, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले मसाला, क्योंकि मैं बचपन से ही दिल्ली में रही और दिल्ली के लोगों को छोले राजमा बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना छोले हो जाए। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। छोले मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है करीब 200 ग्राम छोले, 2 आलू, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मिर्च पाउडर, 3 टमाटर, हींग, 2 छोटी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, दालचीनी, बड़ी इलायची, 5 लौंग, 1 साबुत मिर्च, 2 तेजपत्ते, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच छोले मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा धनिया पत्ता को मैंने काट करके ले लिया है और चाय पत्ती का बैग ले लिया है। तो छोले को हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था, अब हम इसको कुकर में डालेंगे। लगभग 2 ग्लास पानी डालेंगे, दोनों आलू को भी डाल देंगे साथ में, आधा चम्मच नमक, 2 टी बैग और हमने जो खड़ा मसाला लिया था उसको भी डालेंगे, आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल और कुकर का ढक्कन बंद करके 3 विसल आने तक कुक करेंगे। गैस ऑन करेंगे, पहला विसल आने तक हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, फिर लो करके 2 विसल तक और पका लेंगे। जब तक हमारे छोले कुक हो रहे हैं तब तक हम टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को चॉप करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को हमने चॉप कर लिया है, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। छोले हमारे कुक हो चुके हैं, इसमें से स्टीम भी निकल चुका है, अब हम छोले को दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आया है। टी बैग्स को हम लोग निकाल के फेंक देंगे इस तरह से और आलू को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमने छोले और आलू को बाउल में निकाल लिया है, अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे, करीबन 4 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें एक पत्ते डालेंगे, मिर्च डालेंगे और जीरा डालेंगे। कुछ सेकेंड के लिए इसको भूनेंगे बस। अब टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के तैयार किया था वो भी डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तीन मिनट तक मसालों को कुक होने देते हैं, तब तक हम आलू छील लेते हैं। 3 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, कसूरी मिर्च पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए थोड़ा कम डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लेंगे और ऐसे चला के 4 मिनट के लिए करीब कवर करके कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। 4 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा के हमने जो आलू बॉईल किया था उसको ऐसे मैश करके डाल देंगे और 1 मिनट तक इसको पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें छोले डालेंगे। आलू हमारा कुक हो चुका है, अब हम इसमें छोले डाल देंगे। छोले का कलर ब्लैक इसलिए आया है क्योंकि हमने इसमें टी बैग्स डाला था, आप चाहे तो टी बैग्स नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम लगभग 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके छोले को कुक होने देंगे। 4 मिनट
मिनट हो गया है, ढक्कन को अब हम हटाएंगे और इसमें छोले मसाला ऐड करेंगे, चला लेंगे और बचा हुआ पानी जिसमें हमने छोले को बॉईल किया था वो भी डाल देंगे और 2 मिनट के लिए बिना ढके हुए इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पे। छोले हमारे कुक हो चुके हैं, अब हम इसमें धनिये के पत्ते डाल देते हैं, एक बार मिला लेते हैं। गैस को बंद करके अब हम इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारा छोले मसाला, इसको हम अब धनिये के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। और छोले मसाले को अक्सर भटूरे, पूरी, पराठे के साथ खाया जाता है और इसका थिक कंसिस्टेंसी भी मैंने इसीलिए रखा है ताकि हम इसे भटूरे या पूरी के साथ खा सकें। अगर मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।